सो हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडी कैप्सूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू। आज हम लोग ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रुप डिस्कशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है एसएसबी इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि जो एसएसबी इंटरव्यू होता है उसका थर्ड डे होता है, उसमें जीटो टास्क शुरू होते हैं आपके, ठीक है। और जो जीटो का डे वन होता है उसमें जो पहला टास्क होता है आपका वो ग्रुप डिस्कशन का होता है। तो ग्रुप डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि जो पहला टास्क होगा आपका उसमें आप अपनी पहचान बना पाओगे अपने ग्रुप में, कि अगर आपने मान लो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं किया तो आपको कौन जानेगा, ठीक है, ग्रुप में। फिर आगे के जो फर्दर टास्क हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, पीजीटी, एचजीटी, इनमें आपको आगे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो आपका ग्रुप में पहचान बन जाती है और जीटीओ भी आपको देख लेता है कि हाँ इस बंदे में कुछ दम है, ठीक है, इसको हमें देखना है, ठीक है, आगे के टास्क में कैसा परफॉर्म करता है। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो जीटीओ आप पे ध्यान ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप जो ग्रुप डिस्कशन में उसमें अपनी पहचान बना देते हो तो आपको काफी एडवांटेज मिलता है दूसरे कैंडिडेट्स के मुताबिक, ठीक है। सो ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट होता है और ग्रुप डिस्कशन को अच्छे से प्रिपेयर करना भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि आप अच्छे पॉइंट दे पाओ। उसके बाद आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे ओवरऑल आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वहां जाके आपको कैसे बोलना चाहिए, ठीक है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन के बारे में जान लेते हैं, कैसे होता है कंडक्ट, क्या क्या टॉपिक्स मिलते हैं, किस तरीके से टॉपिक्स मिलते हैं, किस बेसिस पे आपको एसेस किया जाता है, कैसे आपको परफॉर्म करना है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर बात करेंगे कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना होता है। सो ग्रुप डिस्कशन जनरली हमारा जो ग्रुप डिस्कशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एसएसबी इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन के दो टॉपिक्स मिलते हैं, जनरली दो टाइप के टॉपिक्स। एक होता है आपके सोशल टॉपिक्स, ठीक है, सोशल टॉपिक्स, और दूसरे हो गए आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक, करंट अफेयर टॉपिक्स। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे दिए जाते हैं, इनके टाइप क्या होते हैं, बताता हूँ, ठीक है। सोशल टॉपिक जो होते हैं आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जनरली कि आपके बिहेवियर पे डिपेंड, कि आपके बिहेवियर को कौन कौन इफेक्ट करता है, आपको जो एजुकेशन मिलती है उससे क्या कौन इम्पैक्ट करता है उससे ज्यादा। उसके बाद सोसाइटी के बारे में होते हैं कि सोसाइटी में ये चीजें फैल रही हैं, इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन सब चीजों पे टॉपिक होते हैं, उन्हें सोशल टॉपिक कहा जाता है। और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं उनमें जनरली जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी वो हो गई, उसके बाद इसराइल पैलेस्टीन वॉर हुई वो, ठीक है, ये सब होते हैं आपके करंट अफेयर के टॉपिक। उसके बाद टेररिज्म भी करंट अफेयर का टॉपिक है। उसके बाद जो अभी केरला बॉम्ब हुआ है उसके उस पर भी आ सकता है कि उसके रीजंस क्या है। उसके बाद ये सिक्योरिटी थ्रेट है उसे काउंटर कैसे कर सकते हैं। सो इन सब जो टॉपिक होते हैं वो करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं, ठीक है। सो करंट अफेयर के टॉपिक हो गए और सोशल टॉपिक हो गए ग्रुप डिस्कशन में, ये होते हैं। अब इन्हें डिवाइड कैसे कराता है, अब जनरली जो एसएसबी होती है उसमें स्टार्टिंग सोशल टॉपिक से भी हो सकती है और करंट अफेयर के टॉपिक से भी हो सकती है। जो सोशल टॉपिक होता है इसमें चॉइस नहीं होती, ठीक है, इसमें नो चॉइस। जो सोशल टॉपिक होता है वो जीटीओ पे बेस्ड होता है, जीटीओ आपको एक टॉपिक दे देंगे और ग्रुप को बोलेंगे इस पर डिस्कशन करो, ठीक है। इसके लिए भी 10 टू 15 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास डिस्कस करने के लिए। अब इससे कम ज्यादा भी हो सकता है बेस्ड ऑन जीटीओ, कैसा आप रिस्पॉन्स देते हैं उसके ऊपर जीटीओ टाइम सेट करता है, उसकी मर्जी होती है। 10 टू 15 मिनट्स अभी भी चलता है एवरेज जो आपका जीडी होता है सोशल टॉपिक पे। तो इसमें चॉइस नहीं होती, मान लो आपको जीटीओ ने एक टॉपिक दे दिया आपको उसी टॉपिक पे बोलना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। करंट अफेयर के जो टॉपिक होते हैं उसमें दो टॉपिक्स मिलते हैं आपको, ठीक है, और इसमें चॉइस होती है, ग्रुप डिसाइड करता है कि आपको किस टॉपिक पे बोलना है, जिसपे मेजोरिटी वोटिंग होती है उस टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो चॉइस देते हैं आपको जीटीओ कि ये दो टॉपिक है आपके पास, आपको बताना है कि इसमें से आपको कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहता है ग्रुप। तो आप लोग ग्रुप में डिस्कस करते हो कि यस फर्स्ट टॉपिक इज गुड या सेकंड टॉपिक इज कैन बी डिस्कसेबल इज डिस्कसेबल, तो उस पे बेस्ड मेजॉरिटी वोटिंग जो होती है उस पे हमारा ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट होता है। बट जीटीओ किसी भी टॉपिक पे आपको बाद में दोबारा जीडी भी करवा सकता है, मान लो कि उसका पहला टॉपिक हो गया, जो दोनों में से जो चॉइस थी वो हो गया कंप्लीट और वो सेटिस्फाइड नहीं, वो और चाहता है कि और डिस्कस करो आप, तो वो बोलेगा दूसरे टॉपिक पे भी आप डिस्कशन स्टार्ट कर दो, वो बेस्ड ऑन जीटीओ है, ठीक है, उसके पास टाइम कितना है और वो उसकी एसेसिंग हुई हो पाई है कि नहीं, ठीक है, क्या वो और देखना चाहता है कि नहीं, तो उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो आपको दोनों टॉपिक पे मतलब अपना माइंडसेट रखना है कि इस पे भी बोल सकता हूँ, इस पे बोल सकता हूँ, क्या क्या पॉइंट्स है, ये सब चीज हो गई। इसके लिए भी आपको 10 टू 15 मिनट्स ही मिलते हैं, दोनों में से एक टॉपिक जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए आपको 10 टू 15 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है।
अब जो सोशल टॉपिक होता है और करंट अफेयर का टॉपिक होता है, इसमें दोनों में पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है, पॉइंटर्स या लीड कहते हैं, पॉइंटर्स या लीड्स, पॉइंटर्स या लीड्स। अब पॉइंटर्स या लीड्स कैसे होते हैं, मान लो कि सोशल टॉपिक में आपका ऐसा टॉपिक आया कि हु इम्पैक्ट्स अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, इज इट हिज फ्रेंड्स, इट्स पेरेंट्स और फैमिली और हिज टीचर्स, ठीक है। तो इस पे आपको ये तीन लीड्स मिले हैं कि ये तीन चीजें हैं, इनमें से आपको किसी एक पे अपना पॉइंट रखना है और उस पे रह के अपने ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप तीनों टॉपिक में घुस रहे हो, यस आई थिंक दैट फैमिली ऑल्सो इफेक्ट्स, फ्रेंड्स ऑल्सो इफेक्ट्स एंड टीचर ऑल्सो इफेक्ट। अब इसमें मोर पूछा है, हु इफेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ अ टीचर ऑफ अ स्टूडेंट या चाइल्ड्स पर्सनैलिटी मोर, ठीक है। तो आपको उसमें किसी एक को सिलेक्ट करना है और उस पर अपने पॉइंट देने की, क्यों अपने आपको जस्टिफाई करना है। उसके बाद आपको ग्रुप को भी सुनना है और उनके पॉइंट्स को काउंटर या फिर उनको सपोर्ट करना है। तो ये अब काउंटर में नेगेटिवली काउंटर नहीं, मतलब कि अपने पॉइंट्स देते हुए उनके पॉइंट्स को बोलना है कि इट कुड बी बेटर, मतलब कि ये ज्यादा ज्यादा सही है, ठीक है, ये ज्यादा सपोर्ट किया, ज्यादा इफेक्ट करते हैं, अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करना थोड़ा, और अपने पॉइंट्स पे ही रहना है कि आपने मान लो कि सेलेक्ट करा कि टीचर्स इफेक्ट करते हैं, तो टीचर पे ही रहना है पूरी डिस्कशन में, ट्राई यही करना है कि टीचर पे रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पेरेंट्स में भी जा रहे हो उसके बाद चिल्ड्रन में भी जा रहे हो, ये थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा कि आप अपनी बात पे नहीं अमल कर रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स का काम होता है। उसके बाद सेम आपके जो करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं उस पर भी पॉइंटर्स होते हैं कि जो मान लो ऐसा टॉपिक आ गया कि अभी जो वर्ल्ड में टेररिज्म होता है वो कैसे कैसे काउंटर हो सकता है। सबसे पहले तो पीस से हो सकता है, ठीक है, या रिटेलिएशन से हो सकता है, ठीक है, उसके बाद या फिर समिट से हो सकता है, जो भी समिट्स होती है, ठीक है, पीस समिट्स वगैरह उनसे हो सकता है। सो ये तीन पॉइंटर्स होते हैं और आपको एक पॉइंटर सेलेक्ट करके अपने पॉइंट्स देने होते हैं। अब ये सारा डिस्कशन 10 to 15 मिनट चलता है। इसमें आपको कितने बार बोलना है, कितने पॉइंट्स रखने हैं, कैसे बोलना है, वो बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बोलना कैसे है। सबसे पहले तो ट्राई करना है कि ग्रुप के डिस्कशन को इनिशिएट कर सको, ये ट्राई करना है, ठीक है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर जब आप जीडी कर रहे हो, ट्राई क्या करना है, सबसे पहले ट्राई टू इनिशिएट, इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इनिशिएशन सब में नहीं होता, जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं या फिर इनमें कॉन्फिडेंस होता है वो इनिशिएट कर पाते हैं। तो जब जीडी में आप जाते हैं तो ट्राई करिए इनिशिएट करने का, उससे आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है, आप पूरे डिस्कशन में कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपको एक मतलब आपके जो ग्रुप को पता लग जाता है कि हाँ इसके पास है कुछ पॉइंट बोलने को। ट्राई करो कि इनिशिएट करो। सेकेंड चीज जो ध्यान में रखनी है, नहीं करनी, जो डू नॉट स्पीक एवरीथिंग एट वंस, मतलब एक बार में ही सब मत बोल दो अपने सारे पॉइंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि यार ये टॉपिक मैं जानता हूँ, इसके बारे में मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि मैंने बहुत पढ़ रखा है, उसके पास पॉइंट्स भी बहुत सारे होते हैं, बट वो गलती क्या करते हैं कि एक बार में अपने सारे पॉइंट्स गवा देते हैं, मतलब एक बार में सारे पॉइंट्स बोल दिए मैंने, एक ही बार में को मौका मिला, उसने बोला कि यार अगली बार मौका मिले ना मिले मैं अभी बोल देता हूँ सारे पॉइंट्स, वो अपने सारे पॉइंट्स वहीं पे वेस्ट कर देता है। इसे कहते हैं वेस्टिंग ऑफ पॉइंट। ग्रुप डिस्कशन में आपको टाइमली अपने पॉइंट्स देने होते हैं एक एक करके। जैसे मैंने मेरे पास 5 पॉइंट प्रिपेयर्ड है मेरे हेड में, मैंने जैसे ही टॉपिक सुना मैंने अपने दिमाग में 5 टॉप पॉइंट्स कर लिए, उसके मेरे जो भी पॉइंटर मैंने सेलेक्ट किया था, लीड सेलेक्ट किया था, उसके बेस पे मैंने 5 अपने जो पॉइंट्स है वो बना लिए। अब ऐसा तो नहीं करूंगा मैं 5ों पॉइंट एक बार में बोल दूं, मैं क्या करूंगा कि पहले एक पॉइंट बोलूंगा और थोड़ा जीडी को इनिशिएट करना चाहूंगा कि इस डायरेक्शन में इनिशिएट हो जाए मेरी जीडी, उसके बाद मैं अपनी जो बाकी के पॉइंट्स है वो एक एक करके बोलूंगा। जैसे मेरे एक फेलो स्पीकर ने बोल लिया, उसके बाद मैं बोलूंगा, उसके बाद दूसरों को मौका दूंगा, उसके बाद दोबारा अपने टॉपिक्स को पॉइंट्स को लाऊंगा। तो ऐसा करना है, एक बार में सारी चीज नहीं बोलनी, नेगेटिव इंपैक्ट होता है कि आप दूसरों को मौका नहीं दे रहे हो, उसके बाद आपके पास पॉइंट्स भी नहीं बचेंगे तो आप बोल नहीं पाओगे, सिर्फ एक ही बार बोला आपने तो इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे ग्रुप पे। तो अगर आप बीच बीच में बोलते हो थोड़ा थोड़ा करके तो इससे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, और जीटो भी आपको देखते हैं कि हाँ दूसरों को भी दे रहा है मौका, खुद भी अच्छे पॉइंट्स दे रहा है, ठीक है, एक बार में नहीं बोल रहा, धीरे धीरे एक एक करके मतलब पॉइंट्स बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड चीज पे जाएं, अपने आप अपना बॉडी पोस्चर सही रखना है, ठीक है, कीप योर पोस्चर इंटैक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इससे फर्क क्या पड़ता है, देखो जब आप जीडी में बैठते हैं तो आपकी जो पोस्चर होता है और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत चीजें बता देती है, जीडीओ को आपको पता लग जाता है वो नर्वस है, ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर अपने आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बोलने से, तो वो सब जीटीओ को पता लग जाता है और वो आपका चेहरा देख के आपका बॉडी पोस्चर देख के बता सकते हैं। तो अपने बॉडी पोस्चर पे काम करना और अपने फेस एक्सप्रेशन और अपने जो बैठने के तरीके है उस पर काम करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ना ज्यादा कैजुअली बैठना है, ना ज्यादा सिकुड़ के बैठना है जैसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में बैठे हो, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल वे में बैठना है, रिलैक्स वे में बैठना है, अपने जो हाथ पाम्स है वो अपने थाइस पे रख लेना है और अच्छे से अपना जो स्ट्रेट हेड रख के और अच्छे से बात करनी है।
सेकंड चीज, किसी पे पॉइंट नहीं करना वाइल स्पीकिंग। अपने हाथ का थोड़ा जेस्टर कर सकते हो अगर जीडी में कर रहे हो, बट पॉइंटिंग करना इज अ नेगेटिव थिंग कि आप किसी पे पॉइंट करके बोल रहे हो नाउ योर नो योर पॉइंट इज नॉट गुड, तो ये चीज इज रॉन्ग, ठीक है, ये नहीं करना। उसके बाद अगर हम चौथी चीज पे बात करें तो चौथी चीज कुड भी कि जब आप बोल रहे हैं तो थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन रखने की कोशिश करें, ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन। अब वॉइस मॉड्यूलेशन से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जब आप जीडी करते हैं तो अगर आप वेगली बोलेंगे, बहुत बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे तो लोगों को इम्पैक्ट नहीं लगेगा आपकी बात पे। अगर आप थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेट करते हैं, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपकी कीवर्ड्स हैं उन पे अगर आप थोड़ा स्ट्रेस देते हैं, लाइक टेररिज्म, ये सब कीवर्ड्स होते हैं, इन पे अगर आप स्ट्रेस देते हैं तो काफी इम्पैक्ट क्रिएट करता है पूरे ग्रुप पे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। फिफ्थ चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि किसी को काउंटर एकदम नहीं करना, मतलब काउंटर कर सकते हैं बट आपको नेगेट नहीं करना किसी को, नो योर पॉइंट इज नॉट करेक्ट, आई डोंट एग्री विद योर पॉइंट, ये नहीं करना। ये सब कह सकते हैं कि योर पॉइंट मस्ट बी करेक्ट बट आई वॉन्ट टू एड दिस, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं अगर किसी का फैक्ट गलत है तो आप कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू करेक्ट योर फैक्ट दिस दिस दिस, बट उसे भी पॉजिटिव में ले जाना कि यस यू आर टॉकिंग राइट बट योर फैक्ट इज रॉन्ग, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ट्राई करना है कि पॉइंट आउट करो बट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए कि आप क्या आपने ग्रुप मेंबर को पॉइंट आउट कर रहे हो, आप ही ग्रुप का मेंबर है, आपको एज अ ग्रुप करना है, ठीक है, पार्टिसिपेट, इसीलिए इसका नाम ग्रुप डिस्कशन है। ट्राई करो कि इन जो डिस्कशन हो वो हेल्दी हो, उसमें लड़ाई ना हो किसी के साथ आपकी, ठीक है, और आप अपने पॉइंट भी अच्छे से दे पाओ, ये चीज हो गई। उसके बाद आपको कंक्लूजन में कैसे करना है, स्टार्ट किया आपने, एक पॉइंट दिया, तीन चार दो तीन दो पॉइंट मान लो बीच में बोल लिए, तीसरा आपको ट्राई करना है कंक्लूड करने की कोशिश करो अपने पॉइंट को, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई स्टोरी बनानी है या कंक्लूजन निकालना है, कंक्लूजन का मतलब, कंक्लूड करने का मतलब कि ट्राई करो कि जो आपके पॉइंट्स हो ना समअप करने की कोशिश करो, फ्रेंड्स आई सेड दिस दिस दिस, ठीक है, इनमें ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से, तो उसके बाद दूसरों की सुनो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कंक्लूजन में पहुंचना है, कंक्लूजन में नहीं पहुंचना, बट अपने जो चार पॉइंट थे उन्हें कंक्लूड करना है लास्ट में कि ये मेरे पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पे ये हो सकता है, इस पे ये हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ऐसा मत करना कि कंक्लूड कर दो कि ये सही है, ये अच्छा है, ये बढ़िया है, कंक्लूड ऐसे नहीं करना, ठीक है, मतलब कंक्लूजन तो निकालना ही नहीं होता, बट मैं बता रहा हूँ कि अपना एंड कैसे करना है डिस्कशन को, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, इस चीजों से काफी फर्क पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है ग्रुप डिस्कशन के लिए। प्रिपेयर करने के लिए काफी ज्यादा नॉर्मल चीज है जो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेने की जरूरत है। अब ग्रुप डिस्कशन में पार्ट कैसे ले सकते हो, ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए या तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर काफी सारे अपने फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ कॉलेज में स्कूल में कर सकते हो ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाती है 10 मिनट में, कभी आपका ब्रेक होता है तो आप कर सकते हो। इंग्लिश में बोलना है आपको, एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, नेट में काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे, अगर आप चाहते हो मेरे को अगर आप चाहते हो टॉपिक लेना तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं टॉपिक के लिए वीडियो बना दूंगा कि काफी सारे जो लेटेस्ट टॉपिक है उन पर वीडियो बना दूंगा, तो वो आप ले सकते हैं, उनसे आप जीडी कर सकते हैं, ठीक है, अपने स्कूल कॉलेज या फिर टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं उनमें आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए, अगर आपको सोशल टॉपिक करना है वो तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो तो आपकी इनर थिंकिंग, जो आपकी पहले से थिंकिंग है, ठीक है, आपका पीस जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके हिसाब से होते हैं सोशल टॉपिक के आंसर। बट अगर आप करंट टॉपिक की बात करें तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, मान लो रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आ गया बट आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है, या फिर आपको इसराइल पैलेस्टीन वॉर पे आ गया बट आपको उसके फैक्ट्स नहीं पता तो आप जीडी में कैसे कंट्रीब्यूट कर पाओगे, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए। तो करंट अफेयर देखो, जो वर्ल्ड अफेयर्स नाम का चैनल है, बहुत सारे चैनल है, वर्ल्ड अफेयर्स हो गया, अमित सेन गुप्ता, उसके बाद संसद टीवी, काफी सारे ऐसे चैनल है जिसमें करंट टॉपिक्स मिलते हैं, वाई ऑन, तो उसमें आप करंट टॉपिक्स पे जाके डिबेट्स देखो, डिस्कशंस देखो, या फिर उन जो बताते हैं वो कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है, जो जनरल न्यूज होती है वो चेक करो, कॉपी में लिखो, उसके पॉइंट्स नोट करो, उससे काफी फायदा होगा, उससे आपको लास्ट में जब आप जीडी में जाओगे तो आपके पास काफी सारे एम्पल पॉइंट्स होंगे जिसपे आप डिस्कस कर पाओगे, या फिर कोई दूसरा अगर बोल रहा है उन पॉइंट्स को तो आपको पता होगा वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो आप उसे काउंटर या फिर उससे सपोर्ट कर पाओगे। सो ये चीजें थी जैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। दो मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ग्रुप डिस्कशन में, जिस जो टॉपिक होते हैं कैसे टाइप के टॉपिक पूछे जाते हैं उनका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ दोनों का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं करंट टॉपिक्स के बारे में, तो करंट अफेयर के ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आर एजुकेशन पॉलिसी, जैसे आपको पता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आने वाली है, बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन टू फर्दर इंप्रूव आवर करंट एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसे हम कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका जो लीड है वो है मोर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकंड इज रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग सिलेबस एट रेगुलर इंटरवल, मतलब बार बार जो इंटरवल्स है, मतलब आधे साल, छह महीना या फिर एक साल में आपका सिलेबस चेंज होता रहे,
गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू प्रैक्टिकल नॉलेज, ये तीन आपके पॉइंटर्स हैं, इनमें से आपको कोई सेलेक्ट करना है और उस पर अपनी जीडी करनी है, ठीक है। मतलब आपको, मतलब इंडिविजुअल, आपको पूरा टॉपिक तो ये एज ए होल ही मिलेगा, बट आप जो जिस पॉइंट पे बोलोगे उस अपने जीडी में, वो आपको अपने दिमाग में सेलेक्ट करना होगा। सेकंड इज सोशल टॉपिक। सोशल टॉपिक ऐसा होता है हु इंपैक्ट्स एंड शेप्स द वैल्यूज एंड कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड, जैसे मैंने बताया आपको, पेरेंट्स, टीचर्स या फिर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे आपके टॉपिक होते हैं सोशल टॉपिक, और इस तरीके के टॉपिक होते हैं करंट अफेयर के टॉपिक। तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब आपका काम क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ और ये जो करंट टॉपिक और सोशल टॉपिक है इस पे पांच पांच पॉइंट आप लिखिए, कमेंट करिए, ठीक है। ट्राई करिए कि आप इसके जो भी आपका फेवर है, जिसपे भी आप फेवर कर रहे हैं, मोर टेक्नोलॉजी, रिव्यूइंग, अपग्रेडिंग सिलेबस, जो भी आप इस पे भी आप कर रहे हैं, बोलना चाहते हैं, उस पे आप पांच पांच पॉइंट लिखिए दोनों टॉपिक पे, करंट अफेयर और सोशल टॉपिक पे, और उसके बाद वो डिस्कशन की तरह हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हैं, आपको क्या लगता है, कि आप दूसरों पे भी कमेंट कर सकते हो कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। तो एज अ जीडी हो जाएगा वहां पे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपके लिए एज अ प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर आपको ज्यादा कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कि कैसे करना है प्रिपेयर या फिर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।